क्या मिला जी? कुछ नहीं। हमने नंगल से ऊना, ऊना से अम्बेंद्वारा, अम्बेंद्वारा से दौलतपुर चौक, ये रेलवे लाइन हमने बनाई और यहां से विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन भी कर दिया। हरिद्वार के लिए ट्रेन चला दी, वृंदावन मथुरा के लिए चला दी, कलकत्ता के लिए चला दी, आपके महाकाल लोक उज्जैन के लिए चला दी, राजस्थान में खाटू श्याम जयपुर के लिए ट्रेन चला दी, और तो और नांदेड़ साहब महाराष्ट्र के लिए ट्रेन चला दी। हमने भाई और बहनों आगरा, ग्वालियर, इंदौर, इनके लिए भी ट्रेनें चला दी, और दिल्ली के लिए देश की सबसे तेज और आरामदायक ट्रेन वंदे भारत को भी चला दिया है। इनमें से कोई ट्रेन पहले नहीं चलती थी भाई साहब, ये इन्हीं 5 सालों में हमने चलाई, मोदी जी के आशीर्वाद से चलाई है, हमने प्रयास किया तो चल पाई है, आगे अभी बहुत कुछ और करना बाकी है। हमने कई खेल मैदान बना दिए, क्रिकेट की ग्राउंड से लेकर फुटबॉल का पहला एस्ट्रो टर्फ अगर कहीं लगने वाला है तो हमारे जिला ऊना में फुटबॉल का एस्ट्रो टर्फ हमने करोड़ों रुपए के लिए मंजूर कर दिया, लगने वाला है। ऐसे अनेकों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन 2-3 बातों पर चिंता करने की जरूरत है। पहली बात मैं आपसे पूछता हूं, जब रसोई गैस का सिलेंडर मिला, शौचालय मिला, पक्का मकान मिला, मुफ्त अनाज मिला, मुफ्त इलाज मिला, तो क्या आपको कभी किसी ने पूछा कि आप हिंदुओं की, मुसलमानों, सिखों की, ईसाई हो? कभी पूछा क्या? हमने कोई भेदभाव तो नहीं किया? किया कभी? हमने कभी किसी से नहीं कहा हिंदुओं की, मुसलमानों, जो गरीब और जरूरतमंद है उसकी मदद की, जो रोजगार देने के लिए, हमने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन कांग्रेस हिंदू मुसलमान में बांटना चाहती है देश को, तुष्टिकरण की राजनीति करती है, देना इन्होंने कुछ नहीं होता, इतने सालों में कुछ नहीं दिया, आज विवाद पैदा करने के लिए तुष्टिकरण कर रही है। दूसरा, एससी एसटी ओबीसी, 10 साल हमारी केंद्र में सरकार रही, 30 साल हमारी गुजरात में, 20 साल मध्य प्रदेश में, हिमाचल में भी कम से कम 10 साल धूमल जी की, 5 साल जयराम जी की, 5 साल शांता जी की, 20 साल हम यहां पर भी रहे। क्या हमने कभी एससी एसटी ओबीसी का कोटा कम किया? क्या हमने कभी छेड़ा? क्या हमने कभी नहीं छेड़ा? लेकिन कांग्रेस ने एससी एसटी ओबीसी का कोटा 5% कम कर दिया कर्नाटक में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, और मुझे लगता है अब कहीं ना कहीं इनके मन में चल रहा है कि हिमाचल में भी कम कर देना है। और मेरे भाई और बहनों की हालत देखो क्या है। आज से 16 महीने पहले आपसे कहा था इन्होंने कि आपको 1500 रुपए महीना देंगे, मिला? मिला किसी बहन को? किसी भाई को बताओ भी, घर पे मिला कि नहीं मिला? तो 21,000 रुपया एक एक महिला का नुकसान हो गया। किसी के घर में 2 महिलाएं 18 साल से ज्यादा की उम्र की तो 42,000 नुकसान, जिसके 3 है उसका 63,000 का नुकसान, जिसके 4 है उसका 84,000 रुपए का नुकसान। कांग्रेस के लोग वोट मांगने आए तो पूछो भाई पहले पैसे तो दो, पुराना हिसाब चुकता करो, फिर अगले की बात करेंगे। आज तो फिर आपका टाइम तोड़ रहे 20 रुपए में फॉर्म भर के, पिछले फॉर्म भी कूड़ेदान में मिले थे, हमने पिछले इलेक्शन में भी दिखाए थे, इस बार भी आपके फॉर्म कूड़ेदान में ही दिखने वाले हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2 रुपए किलो गोबर 100 रुपए लीटर दूध खरीदने की बात कही थी, खरीद लिया? खरीदा क्या? ओ हाँ या ना था करो। 5 लाख नौकरियां देनी थी आपके नौजवान बेटे बेटियों को, मिली क्या? 600 करोड़ रुपए स्टार्टअप फंड देना था, दिया क्या? नहीं दिया। योगराज जी दिया क्या फिर? कुछ देता ही नहीं। चलो, जयराम जी की सरकार ने, भाजपा ने 125 यूनिट